आज भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से स्पष्ट है और यदि नीतीश कुमार जी और लालू जी में दम है तो अपनी गद्दी छोड़े और किसी अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाकर दिखाए, तब तो मानेंगे कि ये लोग अति पिछड़ा के समर्थक हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। हम नीतीश कुमार के इस फैसले के साथ हैं। नीतीश कुमार ने जो आंकड़े पेश किए, बिहार सरकार ने जो आंकड़े पेश किए, हम उसके साथ हैं। लेकिन आपको बीजेपी को संतुष्ट करवाना होगा कि जिन जिन वर्ग के, जिन जिन जातियों के आंकड़ों को आपने रखा है वो सच है, उसके साथ कोई झोल नहीं हुआ है। ये तमाम बातें सम्राट चौधरी की है। बता दें कि बीते दिनों बिहार सरकार द्वारा कास्ट सेंसस यानी जाति आधारित गणना की रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया, जहां एक तरफ बिहार सरकार के द्वारा यानी महागठबंधन सरकार द्वारा इसे बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से लेकर के सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर होती नजर आ रही है। सम्राट चौधरी का कहना है कि आप लोगों ने जातीय सर्वेक्षण तो दिखा दिया, आप लोगों ने ये तो बता दिया कि किस जाति के कितने लोग हैं, किस वर्ग के कितने लोग हैं, लेकिन आपने जो कहा था कि ये जाति आधारित गणना आर्थिक सर्वेक्षण करवाने के लिए की जा रही है, तो बताइए वो आंकड़े कहाँ हैं? आर्थिक सर्वेक्षण तो आपने किसी के सामने साझा ही नहीं किया। हम आपकी बातों को, आपके इस आंकड़ों को विश्वास कैसे कर ले? हम कर भी लेंगे, लेकिन आपको हमें संतुष्ट करना होगा, यानी बीजेपी और बिहार सरकार जो है, बिहार की जनता को आप संतुष्ट करिए कि आपने जो आंकड़े पेश किए हैं, जो रिपोर्ट आपकी सरकार द्वारा जारी की गई है वो सच है, उसमें कोई झोल नहीं है। क्या कुछ कहना है सम्राट चौधरी का बिहार में हुए जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट पर, वो आपको सुनवाते हैं। जब अति पिछड़ा के सम्मान की बात आई, दलित के सम्मान की बात आई, तो लालू प्रसाद जी ने किसी को आरक्षण नहीं दिया। आरक्षण 2005 में जब एनडीए की सरकार थी, तब बिहार में जो नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब जो है अति पिछड़ों को पंचायती राज में 20% नगर निकाय में चुनाव में आरक्षण देने का काम किया, महिलाओं को 50% का आरक्षण देने का काम किया। इससे स्पष्ट है ये पूरी तरह तुष्टिकरण के चक्कर में, लालू प्रसाद जी के दबाव में बिहार के जातीय आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कभी जब हमारे दोनों विधानसभा और विरोधी दल के नेता दोनों जाएंगे, इनको पूर्ण रूप से संतुष्ट करने का काम नीतीश सरकार करे कि हमने सबका सम्मान किया, सबकी जानकारी दी है और हम इसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार को यह बताना पड़ेगा कि आपने जातीय समीकरण तो बताए लेकिन आर्थिक समीकरण नहीं बताया, किस वर्ग के लोग पीछे हैं और किन जातियों के लोग अभी भी बहुत पीछे हैं, ये आपने तो बताया ही। आधा अधूरा रिपोर्ट है, पूरा रिपोर्ट सबको सार्वजनिक की। अरे दुनिया बदल गया, ये 1931 का बिहार नहीं है, ये 2023 का बिहार है। अब तो एक पटम दावे और विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी और हरी सनी के जात का और इनके आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलनी चाहिए, ये बिहार देखना चाहता है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से स्पष्ट है और यदि नीतीश कुमार जी और लालू जी में दम है तो अपनी गद्दी छोड़े और किसी अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाकर दिखाए, तब तो मानेंगे कि ये लोग अति पिछड़ा के समर्थक हो गए, अति पिछड़ा का सम्मान चाहते हैं। इसलिए बिहार पूरी तरह ये समझ चुका है, भारतीय जनता पार्टी भी स्पष्ट है, हमको 80% मतदाता दिखता है। इसमें हमारे पास जो 100% जो जातीय सूची नीतीश कुमार जी की सरकार ने जारी किया है, इसमें से 80% वोटर भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थक है। बहुत बहुत धन्यवाद।